हे गाइस, फेस रिवील फेस रिवील फेस रिवील, ये बहुत टाइम से चालू है बट अभी तक भी फेस रिवील नहीं हुआ है। मेरा लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा फेस रिवील तो हो गया था बट आगे मैंने कुछ नहीं दिखाया आपको, क्योंकि गाइस अभी शायद वो टाइम आ चुका है। क्योंकि लास्ट टाइम जिस बंदे ने फेस रिवील करने की कोशिश की थी मेरी, उस बंदे ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे अभी तक याद है। कब तक इसे छुपके रहोगे? क्या तुम्हारे सब्सक्राइबर यही चाहते हैं, वो तुम्हें देखना चाहते? तो अभी मुझे फील होगा कि आप सभी लोग चाहते हैं मैं फेस रिवील कर दूं, ठीक है? तो मैं अभी फेस रिवील करूंगा, बट गाइस उसके लिए भी मैंने एक अलग ही चैलेंज ले लिया। चलो मैं आपको चैलेंज के बारे में बताता हूं। ओके गाइस, तो ये है गेम डीलरशिप। इसी गेम के वजह से ज़्यादातर लोग मुझे जानते, तो अभी इसी गेम की वजह से आज मेरा फेस रिवील भी होगा। तो अभी जो बंदा लास्ट वीडियो में मेरा फेस रिवील कर रहा था, उस बंदे ने इस गेम के अंदर मेरी 8 रियर कार कहीं पे छुपा दिए, जिसके अंदर एक बुगाटी चिरॉन, एक मैकलेनर है और बाकी रियर कार है 8 रियर कार के, तो उसने छुपा दिए। अभी मुझे वो सभी रियर कार ढूंढनी गई। जैसे जैसे मैं एक एक रियर कार ढूंढूंगा, वैसे वैसे आपके जितने भी Q&A के सवाल थे गए, कोई भी सवाल हो सभी के जवाब दूंगा जैसे जैसे मुझे कार मिलती है। और गए लास्ट में मैंने अगर 8 कार कंप्लीट कर ली, उसके बाद में मुझे करना पड़ेगा फेस रिवील। उसके बाद में एक और चैलेंज, इसके अंदर अगर मैं मैकलेनर ढूंढ लेता हूँ, अगर मुझे मैकलेनर मिल जाती है, तो मैकलेनर मिलने के बाद में गए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मेरी इनकम कितनी है, उसका आंसर भी मैं कर दूंगा। और गाइस मुझे वही सब कार ढूंढनी जिसपे विच और विच गेमिंग लिखा होगा, ठीक है? सबसे पहले ना मैं कार ऑक्शन की साइट में, अगर मुझे लगता है कि जंकयार्ड में कोई ना कोई कार तो होगी, क्योंकि हर एरिया में ना एक ही कार है, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है? जंकयार्ड में मुझे लगता है कोई ना कोई कार हो सकती है, ठीक है? ये बंदा बड़ा चालाक है, कहीं ना कहीं छुपा सकता है यहाँ पे। अबे मुझे लगातार यहाँ पे ज़रूर होगी, बट ये तो खाली निकल गया यार। जंकयार्ड में इस बंदे ने कार नहीं छुपाई क्या? सामने तो पूरा एरिया खाली, पीछे ओके, इतने आसानी से मिल जाएगी। फर्स्ट कार बहुत ही इजीली हमें मिल गई, निसान GTR मिल गई, और कार पे विश लिखा हुआ है। जो भी कार पे विश और विश गेमिंग लिखा है ना, वही सब कार मुझे ढूंढनी है, ठीक है? इस पर लिखा भी है, तो ठीक है इसको मैं टो करवा के भिजवा देता हूँ। और गए उसी के बाद में जो भी कार मुझे मिलेगी, उस कार को मुझे सेल भी करना है, ठीक है? अब एक कार तो मुझे मिल गई, अभी आपके कुछ सवालों के जवाब भी मुझे देने पड़ेंगे जो भी आपने Q&A में पूछे थे। चलो ठीक है, अभी मैं आपके कुछ सवाल निकालता हूँ फटाफट से। तो गए कुछ कॉमन सवाल है जो सभी लोग पूछते हैं, मतलब मेरी एज कितनी है, उसके बाद में मेरा नाम क्या है, उसके बाद में मेरा सरनेम क्या है, और मैं रहता कहाँ पर हूँ। इन सभी सवालों के जवाब गए मैं ऑलरेडी दे चुका अपने फर्स्ट वाले फेस रिवील वीडियो में, वो आपने नहीं देखी वो जाके देख लो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो पहला सवाल है TMC गेमर का 10th क्लास रिजल्ट, ठीक है? 10th क्लास का रिजल्ट मेरा मतलब ठीक ठाक था, मतलब ठीक ठाक नहीं था, बेटर था। गाइस मैं टॉपर हुआ करता था, मतलब टॉप फर्स्ट में तो नहीं आया था बट मैं टॉप 3 में तो था ही। गाइस मतलब मेरा रिजल्ट था ना वो 83 था, 83% मेरे को आए थे और टॉप 3 के अंदर मैं था। मतलब समझ रहे हो ना, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़का था, अभी तो नहीं रहा। चलो ठीक है, इसके बाद में मुझे गाइस अपनी कार भी फटाफट सेल करनी पड़ेगी, ठीक है? कार को जल्दी से सेल कर देते हैं, क्योंकि मुझे जो भी कार मिल जाएगी उसको मुझे सेल भी करना पड़ेगा, ठीक है? फटाफट। वैसे ये दो कार ना ऐसी पड़ी हुई है, इनको मैंने पहले सेल पर लगवा के रखा था, इनको क्या है, इनको तो मैंने अभी ढूंढा भी नहीं। अभी जो निसान GTR मेरे को मिल गया उसको मैंने सेल पर लगा दिया है। ओके गाइस, अभी गाइस एक ही कार तो मिली, अभी तो और भी बहुत सारी कार ढूंढनी है, ठीक है? एक कार मिल गई वही बड़ी बात है, मतलब वो बड़ी बात नहीं है। पता नहीं इस बंदे ने कार कहाँ कहाँ पर छुपाई होगी, बट मुझे नहीं लगता ना ये बंदा इतना भी इंटेलिजेंट था कि बहुत ही खतरनाक जगह पे कार छुपा दे। मुझे लगता है इस घर के पीछे मुझे एक कार मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक कार होनी चाहिए ऐसा लग रहा है क्या? ओके ठीक है, नहीं यार पूरा एरिया फ्लैट पड़ा है, घर के पास में भी कोई कार नहीं है। ओके एक मिनट, अबे यार ये कैसे जगह पे छुपा रहा है ये बंदा कार? इसके तो मैंने शोरूम के पीछे इसने कार छुपा दी, ठीक है? लेकिन निकलते भैया, दूसरी कार भी मेरे को मिल गई, इतने जल्दी दो कार मिल गई, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा मेरे को ढूंढने में, ठीक है? इस कार को लेके निकलते हैं, और अभी मेरे को आपके कुछ सवालों के भी जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है? मैं भी कुछ कमेंट निकालता हूँ फटाफट से। ओके गए, तो इसके बाद का जो सवाल है वो है गए द जलजक्सी, नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है भाई? योर फेवरेट टाटा IPL टीम प्लीज़ टेल यू लाइक दिल्ली कैपिटल एंड कैपिटल ऋषभ पंत। यस ब्रो, आई लाइक दिल्ली कैपिटल एंड ऋषभ पंत, आई रियली लाइक यू, बट गाइस मेरी फेवरेट टीम ना दिल्ली कैपिटल नहीं है, तो मेरी फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस बिकॉज रोहित शर्मा। इसके बाद का सवाल है PC कब बनवाओगे, PC कब लोगे, जब पैसे आएंगे तब लेंगे। भैया पैसे नहीं है,
पीसी बनवाने पीसी लेने में बिल्कुल भी नहीं है, खर्चे बहुत मुश्किल से चलता है भाई, क्या करें यार, खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। पैसे वैसे नहीं भाई, अभी जब पैसे आ जाएंगे, जब यूट्यूब कुछ ज़्यादा कमाई हो जाएगी तब पीसी ले लेंगे और अच्छे अच्छे गेम भी प्ले करेंगे। ओके तो मुझे अभी एक और निशान GTR मिल गई थी जिसे मैंने सेल पे तो लगाया बट गलती से वो नहीं, ये वाली निशान लग गई सेल पे। चलो कोई बात नहीं, निशान तो है, इसको सेल कर देते उसके एक्सचेंज में, ठीक है उसको सेल नहीं करूंगा, वो मिली थी मुझे बट इसको सेल पे लगा दिया गलती से। ठीक है मैम लेके जाओ, अभी क्या है जो भी कार मिलेगी उसको सेल भी करेंगे फटाफट। ठीक है तो अभी मेरे को ना दो कार मिल गई है, अभी मेरे को और कार ढूंढनी पड़ेगी, वो भी फटाफट ढूंढनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास में, बाहर एक और निशान पड़ी थी कि ठीक है उनको बाद में सेल पे लगाएंगे। अभी गाइस मेरे को लग रहा है ना गैरेज में ना एक कार तो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इस बंदे ने एक कार छुपाई होगी, मेरे को ढूंढना पड़ेगी। बट गैरेज में वैसे ज़्यादा जगह तो नहीं है, ठीक है यहाँ पे एक कार तो है बट ये कार वो जो छुपाई हुई कार है ना उनमें नहीं है, ठीक है इस पर विश या विश गेमिंग नहीं लिखा है, जिस कार पे विश या विश गेमिंग लिखा है वही कार इस बंदे ने छुपाई, ठीक है यहाँ पे तो नहीं यार, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। वैसे यहाँ पे भी ठीक है ओपन एरिया पड़ा है तो कार हो सकती कहाँ पर है, यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है। ठीक है अभी मैं आ चुका हूँ गाइस अभी गैस स्टेशन पे, क्या पता यहाँ पे मुझे कोई कार मिल जाए। ठीक है इस कार को थोड़ा वॉश करवाते हैं और लकीली यहाँ पे कोई कार मिलती है तो सही होगा। ठीक है भैया तू वॉश कर दे, तब तक मैं इधर कार वार ढूंढ के आता हूँ। वैसे कार यहाँ पे हो सकती क्या, इस वाले स्टोर के पीछे, ओके स्टोर के पीछे कार है। अब यार इतनी इजी सिंपल जगह पे कार पड़ी है, देखो यार यहाँ पे एक और निशान GTR पड़ी है। ठीक है इसको टो करवाते हैं और इसके बाद के सवाल भी लेते हैं। DJ गेमर ब्रो आपकी साउंड रियल है या फिर एडिट करते हो? भाई तो मेरी साउंड ना एकदम रियल है, कोई डिटेल नहीं है, बस थोड़ा क्या बात अलग, पता है क्या मतलब, मैं जब नॉर्मली बात करता हूँ ना तब साउंड अलग आता है और जब मैं माइक पकड़ के बात करता हूँ ना तो साउंड थोड़ा अलग आ जाता है, वो मुझे नहीं पता क्यों आता है बट आता ही। तो अभी और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप YouTube स्टार्ट करे थे तो इस चैनल के बारे में क्या सोचा था एंड आपको मिनिमम कितने सब्सक्राइबर चाहिए थे? जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना मतलब मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, तब मैं ना थोड़ा छोटा था ना, तब बस YouTube बनाने का और उसमें कुछ भी अपलोड कर देने का, सब्सक्राइबर वगैरह कुछ पता नहीं था, बस YouTube पे डालना है कुछ ना कुछ वीडियो डालना है, बस डालना है कॉपीराइट हो कुछ भी बस उठा के मैं डाल देता था, कुछ भी करता था बस, मतलब YouTube है ना तो उस पर वीडियो डालने का मतलब डालने का कुछ भी डाल देने का। ठीक है तभी ना और निकलते एक और कार ढूंढने के लिए, मेरे को ना दो तीन कार तो अभी मिल गई है, अभी भी बहुत सारी कार ढूंढना बाकी, फटाफट 8 कार मिल जाए ना तो आज फेस रिवील हो ही जाएगा। ठीक है मैं किसी भी तरह ढूंढ लूँगा, आपको बताए कोई भी चैलेंज अपना इनकम्प्लीट होता नहीं, सभी चैलेंज ना कम्प्लीट हो जाते हैं। मेरे को पहले मैकलेनर ढूंढनी है क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए मैकलेनर के लिए, क्योंकि उसमें ना अपना मेन सवाल है इनकम वाला। ठीक है वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे कार मार्केट में इस बंदे ने कोई कार छुपाई हो सकती है क्या? वैसे लग तो नहीं रही है। ठीक है सारी कार ये सेल होने वाली कार है। ओके एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे अबे ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई यार, इस बंदे को क्या समझ में नहीं आया क्या? यहाँ पे देखो एक कार पड़ी, वो भी रियर कार है और उसके सामने विज भी लिखा है। ठीक है बेटा एक और कार मेरे को अभी मिल गई है, चलो ठीक है एक और रियर कार मेरे को मिल गई, इसको उठा के ना टो करवा देते हैं और इसको ले जाके जल्दी से सेल भी करना पड़ेगा। अभी आपके कुछ सवाल है, ठीक है आपकी आज तक की सबसे फेवरेट गेम कौन सी? ठीक है मेरी सबसे फेवरेट गेम ना कार फॉर सेल की जो गेम थी ना वही सबसे फेवरेट गेम थे। इसके बाद में है जो पागल होते वो हमेशा नाना बोलते, तुम पागल हो हाँ या ना? अरे भैया मैं तो सच में पागल हुआ, ठीक है पागल हूँ मैं। ठीक है ओके गई तो मेरे को अभी 4 कार तो मिल गई है, अभी मैं इधर पीछे से एक बार घूम लेता हूँ, क्या पता यहाँ पे कोई कार इसने पार्क वार्क करके रखी हो, कहीं ना कहीं झाड़ी वाड़ी में छुपा के रखी हो। गाइस मेरे को लग रहा है ना बार के अंदर एक तो कार होगी, बार के आसपास के एरिया में तो मैंने ढूंढ लिया है, वहाँ पर नहीं रात भी हो गई। ठीक है अंदर कार जाती तो थी गाइस बट कार दिखाई नहीं दे रही, मुझे लगता है इसके पीछे छुपा के रखी होंगी। और भाई यार ये एरिया में कार नहीं है क्या? ओके अंदर के रूम में तो कार नहीं घुस सकती, ठीक है यहाँ पे कोई भी कार नहीं है। ओके गाइस बार के अंदर मेरे को कोई भी कार नहीं मिली, चलो ठीक है बार के अंदर पूरा खाली बार पड़ा है, बार के अंदर कोई भी कार नहीं, चलो ठीक है यहाँ से निकलते हैं। अभी रात में मेरे को कार्स मिलना थोड़ा मुश्किल होगा बट फिर भी मैं ना इधर से थोड़ा घूम लेता हूँ, क्या पता ना इसके पीछे या फिर वो देखो गाइस जो अपना ड्रैग रेस है ना वहाँ पे कोई कार छुपाई हो सकती है, तो मैं फटाफट वहाँ पे जाके ढूंढ लेता हूँ, देखते हैं वहाँ पे कोई कार मिलती है या फिर नहीं मिलती। पीछे का जो एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा खाली एरिया पड़ा है और यहाँ पे कुछ झाड़ी वाड़ी भी है तो यहाँ पे हो सकती है। वैसे यहाँ पे कोई भी कार नहीं है, ठीक है यहाँ पे आके ना टाइम वेस्ट हो गया लगता है। ठीक है इस साइड में कोई कार नहीं और अंधेरे में ना कार दिखना भी थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है यहाँ पे देखो इसके आगे तो नहीं जा सकते, ठीक है भाई यहाँ पे कोई कार नहीं है। अभी मेरे को पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा और विलेज की साइड भी पूरा ढूंढना पड़ेगा, तो मॉर्निंग तक मैं ढूंढते रहूँगा। ठीक है फटाफट ढूंढते, ओके पूरी रात ढूंढने के बाद में विलेज में मैं पूरा ढूंढ लिया और फाइनली मेरे को एक और कार मिल गई, यहाँ पे पड़ी गई।
एक और कार यहाँ पे पार्क हो रखी है, ठीक है, इसको भी टो करवा के भिजवाते हैं अभी शोरूम पे। एक और मेरे को ब्रांड न्यू कार मिल चुकी है, ठीक है। अभी आपके कुछ सवालों के जवाब मैं फिर से देने में स्टार्ट करता हूँ फटाफट से। तो सवाल है गाइस, आपके कितने चैनल है और आपके चैनल की कितनी इनकम है और आपकी गर्लफ्रेंड कितनी, उसके बाद में आपकी शादी कब होगी, ठीक है। इन सवालों के मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले मेरे चैनल ना गाइस दो ही चैनल है, एक ये चैनल और एक दूसरा चैनल है वी शॉर्ट्स नाम से, उसको जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो। जितने भी लोग इधर अपने को सब्सक्राइब करते ना, सभी लोग अपने को उधर भी चाहिए, क्योंकि अभी फेस रिवील तो हो ही जाएगा, तो वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियो आएंगे फेस के साथ में, यहाँ पे नहीं आएंगे वहाँ पर आएंगे, तो फटाफट वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल करके फटाफट उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद का सवाल है, आपका 1K सब्स कितने वीडियो पर हुआ था, ठीक है यार। मेरा 1K सब्स ना कितने वीडियो पे हुआ था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट 100 से ज़्यादा वीडियो तो मैंने डाल ही दी थी, 100 से ज़्यादा वीडियो डाल दी थी तभी मेरा 1K हुआ था, मतलब जल्दी नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम मेरे को लग गया था, ठीक है। तभी ना और कार ढूंढना स्टार्ट करते, अभी ना ज़्यादा कार बाकी नहीं है, 2-3 कार मिल जाए ना तो काम ही हो जाए अपना, ठीक है। मैं कहते एक बार कंटेनर में ढूंढ लेते, अगर कंटेनर में क्या पता कोई ना कोई कार मिल जाएगी, 3 कार की ज़रूरत है मुझे लगता है कंटेनर के आसपास के एरिया में कोई ना कोई कार होगी। विलेज में मैंने ढूंढ लिया कोई कार नहीं है, बाकी सभी एरिया मैंने ढूंढ लिए, कंटेनर के पास में आया नहीं था, कंटेनर के आगे पीछे तो कोई भी कार नहीं, ओके ठीक है, पीछे जाके देखते हैं, ओके। और भाई ये क्या मिल गया, मैकलेनर मिल गई, ओके भाई मैकलेनर मिल गई, और मैकलेनर पे मैंने एक बात बोली थी आपको, ठीक है। अभी वो तो सवाल बहुत सारे लोगों का है, ठीक है, अभी उस सवाल का भी जवाब मेरे को देना पड़ेगा। तो गाइस अभी सवाल था गाइस मेरी मंथली इनकम कितनी है, तो मेरी मंथली इनकम गाइस अभी के लिए ना बहुत कम है, मतलब इतनी कम है ना कि मेरा खर्चा भी नहीं चलता। आप सभी को पता है मैं बाहर रहता हूँ गाइस, मतलब अपने घर पे नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ रूम लेके, तो यहाँ पे मेरा खर्चा भी नहीं चलता, इतनी मेरी मंथली इनकम अभी है। बट गाइस इससे 3-4 महीने पहले जब डीलरशिप गेम ना बहुत ज़्यादा चलता था, तो अपना बहुत सारे व्यूज़ आते थे, तब मेरी मंथली इनकम इतनी थी कि मैं एक नॉर्मल मतलब ठीक ठाक ना 5G फ़ोन ना हर महीने बाय कर सकता था, मतलब एक 5G फ़ोन मतलब ज़्यादा फ्लैगशिप वाला नहीं, ठीक ठाक एवरेज मिड रेंज का होता है ना गाइस, वो फ़ोन मैं बाय कर सकता था। बट अभी ना सिचुएशन ख़राब है, अभी ना महीने में मंथली मतलब मैं कह भी नहीं सकता कि मंथली पेमेंट आती भी नहीं गई मेरे को, 2-3 महीने में एक बार आती है गई अभी तो, ओके गई। तो अभी 2 ही कार बाकी ढूंढना, और मैंने ना पूरा मैप ढूंढ लिया है बट मेरे को कहीं भी कार नहीं मिली है। मैंने गैरेज में भी ढूंढा था बट गैरेज में शायद मुझे कार मिल सकती है, क्योंकि मुझे गई एक एरिया याद आ गया अभी कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस होता था, और यहाँ पे देखो गई क्या है, यहाँ पे पड़ी गई एक फरारी, ठीक है, एक और कार मिल गई, ठीक है, फाइनली अभी लास्ट कार बाकी, ठीक है। अभी आपके सवाल निकालता होगा, ठीक है, इसके बाद का जो सवाल है गाइस वो है व्हाई यू लिफ्ट योर हाउस, ठीक है, जो मैंने अपना घर है वो क्यों छोड़ा था, क्योंकि गाइस मतलब मैं कुछ करना चाहता था, मतलब कुछ ना कुछ करना चाहता था, मैं ऐसा मोटी हो गया था और मैंने अपना घर छोड़ दिया, और अभी तक पछता रहा हूँ, कुछ हो तो नहीं रहा है, ठीक है। मतलब मैं इधर बाहर आके ना जॉब भी करना चाहता था, उसके बाद मैं यूट्यूब भी करना चाहता था, जो घर पर रह के नहीं हो पा रहा था, इसलिए गाइस मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं बाहर आके अभी जॉब भी करने लगा और YouTube भी करने लगा। बट गाइस जब घर छोड़ने से पहले मैंने जो कुछ भी एक्सपेक्ट किया था गाइस वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ उसके विपरीत ही चल रहा है, मतलब गलत ही हो रहा है, सही तो कुछ भी नहीं हो रहा। पहले YouTube पे भी मतलब ठीक ठाक व्यूज़ आते थे, अभी YouTube पे भी डाउन हो चला है, मतलब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, उसके बाद में वीडियो देखते नहीं हो पूरे, इस वजह से हो रहे गए, ठीक है। वीडियो पूरा देखा करो गाइस, जितने भी लोग वीडियो देखते ना वीडियो पूरा देखा करो, लाइक भी करा करो, कमेंट भी करा करो, ठीक है। अभी क्या बाकी गाइस, अपनी लास्ट कार बाकी है, ओके, वो बुगाटी, एक मिनट गाइस, बुगाटी इस लिस्ट के अंदर नजर आ रही है, वो भी सेल पे मैं लगवा सकता हूँ, ये क्या बात हुई, ठीक है, ओके, मैं अपनी बुगाटी को सेल पे लगवा सकता हूँ, ठीक है। अभी पहले मैकलेनर को लगाते हैं और बुगाटी को मैं सेल पे लगवा सकता हूँ, मतलब वो यही कहीं होनी चाहिए, शोरूम के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा है, तो उसको मैं ना थोड़े महंगे प्राइस में सेल पे लगवा सकता हूँ, ठीक है। बुगाटी मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। अभी गए तो अपने 1 करोड़ पे लगवा देते इसको सेल पे, डायरेक्ट सेल करेंगे इसको, इसको नहीं करेंगे यार सेल, ठीक है। बुगाटी यहाँ पे मैंने सेल पे लगवा दी, अभी गए मुझे ना कार ढूंढनी पड़ेगी, शोरूम में कहाँ हो सकती है यार वो, यहाँ पे तो नहीं है, एक मिनट, ऊपर में एक भी बार गए नहीं, छत पे मैं एक भी बार गए नहीं, चलो ठीक है, लिफ्ट का ऑफर है, एक बार मैं ऊपर जाके आता हूँ, मुझे लगता है बुगाटी ऊपर हो सकती है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, शायद ही ऊपर ना बुगाटी मिल सकती है अपने को, अगर मिल जाती तो अपनी सारी कार कंप्लीट हो जाएगी, और गाइस मुझे फेस रिवील अभी करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट रेडी हो जाओ गाइस, बुगाटी मुझे मिल सकती है, ओके गाइस रेडी हो जाओ, बुगाटी क्या इधर तो नहीं यार, ठीक है। अभी और फ्लोर है गाइस ऊपर, टेंशन मत लो, इधर तो नहीं दिखे, यहाँ पे कहीं छुपाई हुई होगी तो मुझे पता नहीं, ओके यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर जाते एक बार फिर से, ठीक है, शायद ऊपर के फ्लोर पे मुझे बुगाटी मिल जाए, बट यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है,
यहाँ पर भी नहीं होगी ठीक है। अभी लास्ट वाला फ्लोर बाकी, बट गाइस लिस्ट में दिखाई दे रही तो होना तो चाहिए ठीक है। पहले लिफ्ट बुलवाते ऊपर से ठीक है, लिफ्ट आ गई, अभी जाते गए ऊपर ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर और बुगाटी मुझे मिलेगी क्या? ओके गाइस बुगाटी चिरॉन मिल गई, मिशन हो चुका है कंप्लीट, सारी कार मैंने कलेक्ट कर ली। अभी इन कार को सेल करेंगे, वो बाद में कर देंगे। बट गाइस अभी अपने को करना पड़ेगा अपना मेन काम। फाइनली गाइस फेस रिवील आप सभी लोग चाहते थे तो मैं अभी कर रहा हूँ। अभी फेस रिवील तो हो गया, बट अभी बोलू क्या कुछ पता ही नहीं मेरे को, आप लोग कमेंट जरूर कर दो। और पहली बार कैमरे के सामने आ रहा हूँ ना, तो रिएक्शन भी थोड़े अजीब निकल रहे, पता नहीं क्या निकल रहे, बट निकल रहे यार ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।